आज का विषय है चुनाव, भारत में निर्वाचन आयोग, इसके संगठन और कार्य। चुनाव व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए और व्यवस्था के लिए प्राण का कार्य करता है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार के चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, अभी तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव कैसे होते हैं, कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ केंद्र, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर आम चुनाव होते हैं, इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, चयन करती है और उनकी शासकों पर नियंत्रण रखती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। व्यस्क मताधिकार के द्वारा ऐसी सरकार बनाई जाती है और नागरिक मताधिकार के माध्यम से ऐसी सरकार को बदल भी सकते हैं जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती। वस्तुतः भारत जैसे देश में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र या लोकमत की ही अभिव्यक्ति है। भारत के संविधान निर्माता चुनाव के महत्व से अत्यधिक परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करवाना है। संविधान के एक पृथक अध्याय अनुच्छेद 324 और 329 में निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनको कि राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग से परामर्श करके राष्ट्रपति उसकी सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जा सकता है जिन कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। चुनाव आयोग कुछ प्रमुख कार्यों को करता है, जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन जो कि प्रति 10 वर्ष के अंदर किया जाता है। दूसरा, मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां भी तैयार कराई जाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मताधिकार से वंचित रह गया हो ना रह जाए जो कि मताधिकार की योग्यता रखता हो। चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। इस संबंध में आयोग के द्वारा कोई आधार निश्चित किया जा सकता है। मान्यता प्रदान किए जाने के आधार में समय समय पर परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। वर्तमान नियम के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में किसी दल को मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब आम चुनावों में उसे कम से कम चार राज्यों में 4% मत मिले और लोकसभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में कम से कम उसका एक निर्वाचित सदस्य हो। 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता मिल जाने पर उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को
चुनाव चिन्ह भी प्रदान करते हैं। चुनाव आयोग संविधान के द्वारा कुछ अर्ध चुनाव आयोग को अर्धन्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जिसमें से दो उल्लेखनीय हैं। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है, तथा 192 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में यह अधिकार राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त वह राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कराता है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलाता है। उम्मीदवारों के द्वारा की जाने वाली कुल व्यय राशि निश्चित करता है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देता है और चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श भी देता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें। इसके लिए कुछ प्रावधान हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहला, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है, न कि कार्यपालिका ने या संसद ने। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से ही दिया जाता है, जिन्हें उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। इनकी सेवानिवृत्ति का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दी गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सकते हैं।